हेलो फ्रेंड फ्रेंड, आज जो डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो मटेरियल साइंस व स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैकेनिकल व सिविल केमिकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करने के लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप्स में टेस्ट किया जाता है, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब जिसको ब्रेक करके टेस्ट किया जाता है, हार्डनेस, स्टिफनेस, मेलेबिलिटी, टक्टिलिटी, टेंसाइल, कंप्रेसिव, और एक होता है NDT जो बिना ब्रेक करके हुए उसका अंदर का जो डिफेक्ट है, से बिल्डिंग डिफेक्ट हो सकता है, कास्टिंग डिफेक्ट हो सकता है, आतर्स को डिफेक्ट हो सकता है, ब्लो होल्स हो सकता है, पोरोसिटी हो सकता है, कुछ भी, उसको टेस्ट करने के लिए जो मशीन है जिसको कहता है NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। दोस्तों काफ़ी दिन से हमारे पास कमेंट आ रहा था आदर्श कुछ बनाने के लिए, मैं ऑलरेडी नॉर्मल प्रोब के ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग का फीडबैक बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक टी आर प्रोब, टी आर मतलब ट्रांसमिशन रिसीवर प्रोब यूज करके कैसे रीडिंग किया जाता है, कैसे डिफेक्ट पता करता है, उसके ऊपर है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोब होता है दोस्तों, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा नॉर्मल प्रोब जो इसका क्रिस्टल ये दिख रहा है आपके सामने, क्रिस्टल है जो नॉर्मली क्रिस्टल इस टाइप से दिखता है, ये है क्रिस्टल, ठीक है। और ये नॉर्मल प्रोब ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है, बहुत अच्छा है आपका फीडबैक। नेक्स्ट जो बता रहा हूँ जिसका नाम है TR, यहाँ 2 क्रिस्टल दिख रहा है आपके सामने, TR प्रोब ट्रांसमिशन रिसीवर प्रो कैसे काम करता है, कैसा है, कैसे डिफेक्ट पता होता है, पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो बताऊंगा जिसका नाम है एंगल प्रोब, दैट इज एंगल। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा एंगल जो है वो है 60 डिग्री एंगल है, इसका जो एंगल है जिसका नाम 45 डिग्री है, ये दोनों एंगल प्रोब से भी हम रीडिंग लेके आपको बताऊंगा ये डिफेक्ट कैसे पता किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा प्रोब है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोब नॉर्मली यूज होता है, नॉर्मल प्रोब, TR प्रोब और एंगल प्रोब। ये तीनों प्रोसेस मैं 1 by 1 करके बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे टेस्ट करना है जिसके अंदर कोई डिफेक्ट है, ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन इसको डिफेक्ट पता करना है। तो ऑब्जेक्ट के हमने इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, जेहेतु आज का मेरा टॉपिक है TR प्रोब के हिसाब से हमने इसमें डेटा ऑलरेडी सेट करके रखा हूँ, जिसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सब कुछ। दोस्तों इसमें मैं तो एक थोड़ा सा चीज़ में डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखने में आपको इस टाइप से लगेगा। देखिए एक केस है हमारा, जो एक केस आपके सामने दिख रहा है, इसमें दो है, एक ट्रांसमिशन है, ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है जो हमारा डिस्प्ले के साथ कनेक्ट है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ये जो दिख रहा है इसका नाम है इको, ठीक है। ये हमारा क्रिस्टल है जो सामने से दिख रहा है, ये हमारा क्रिस्टल है जो साउंड वेव को, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। अल्ट्रासोनिक क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। साउंड ये हमने देखा साउंड वेव है जिसका हर्स वांट से लेके 25 मेगा हर्स होता है, जो ऑलरेडी हमको उसका महसूस नहीं होता है वो वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन आपको ये इंडिकेट करेगा और आपको दिखाएगा। तो ये अभी बात हो रहा है TR, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्रिस्टल है, ये डैम्पिंग वाइब्रेशन जो इसका ऑलरेडी लगा हुआ है डैम्पिंग वाइब्रेशन, ये CTR, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब, ये कैथोड जिसको हम बोल रहा हूँ अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर बा डिस्प्ले, उसका नाम है CRT कैथोड रे ट्यूब, जो ये आपके सामने दिखेगा। इसमें एडवांटेज का बात कर ले, इसमें एक ही चीज दिखेगा जो है SP। दोस्तों इसमें से एक ही जगह रीडिंग दिखेगा जिसका नाम है SP बा साउंड पाथ, SP का पूरा नाम है साउंड पाथ, जो आपके डिस्प्ले में दिख रहा है यहां आपको रीडिंग दिखेगा कि कितना डेप्थ में डिफेक्ट है, उसका एरिया कितना, ये पता नहीं लगेगा, सिर्फ एक डिफेक्ट है बट डिसकंटिन्यूटी है वो पता करने के लिए यूज किया जाता है, इसमें आपको डबल दिखेगा। दूसरा नंबर में इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है, ऑडियो रेंज का रिफ्लेक्शन, लो एनर्जी रेंज है इसका, कैपेसिटी जो नॉर्मल प्रो है उससे कम कैपेसिटी का होता है, सेफ क्लियरिटी वो इतना क्लियर नहीं दिखता है, हाई फ्रीक्वेंसी प्लस में काम करता है,
रेक्टिफायर एंड प्रेजेंटेशन में आराम करता है। साउंड ट्रेवल्स वर्क बहुत लो है, डिस्टेंस जो है मिनिमम काम करता है। ये एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज ज़्यादा है टी आर प्रोब के अंदर। जो एडवांटेज की बात करें, सबसे बेस्ट जो है नॉर्मल प्रो और एंगल प्रो। जेतु इसका बना हुआ है, आविष्कार हुआ है, तो मैं उसके पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये वेब लेंथ का फॉर्मूला होता है सी बाई एफ। वेब लेंथ का जो लेंथ है, जो साउंड वेब को कैलकुलेट करता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ। लैम्डा इज ए वेब लेंथ, सी इज ए साउंड वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड। सी इज ए साउंड वेलोसिटी किलोमीटर पर, एफ इज ए फ्रीक्वेंसी मेगा हर्च, एस इज ए साउंड पाथ। आपको साउंड पाथ कैलकुलेशन करना है, ये कितना डिस्टेंस में वो डिफेक्ट है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सी टी बाई टू। सी टी बाई टू, टी इज ए साउंड वेलोसिटी, टी इज ए टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस प्रोसेस में निकल करता है हमारा साउंड पाथ। एप्लीकेशन की बात करें, रफ सरफेस के लिए बहुत यूजफुल है, कर्व सरफेस के लिए यूजफुल है। नॉर्मली जो केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, बॉयलर होता है, कोरोशन के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका नाम है टी आर प्रोब। मैं प्रैक्टिकल करने बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा। इसमें सबसे पहले जो साउंड वेव जो बाहर ना जाए, इसलिए इसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल में ऑयल भी हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, कुछ भी है, लुब्रिकेटिंग होना चाहिए। कारण इसके अंदर जो साउंड वेव है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो डिस्प्ले में नहीं दिखेगा। तो मैं इसको रख के आपको रीडिंग देखिए। ये है हमारा इको, आपके सामने दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का इको है। इसके बाद कोई डिसकंटिन्यूटी है वो आपको पूरा डिटेल्स बता देगा, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों, ये इको है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कारण सभी इको एक जैसा दिख रहा है, इसलिए इसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, मेरे से लाप रहा है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसा दिखेगा आपको, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको दिखेगा। इसका थिकनेस 10 mm है, इसलिए उसका परफेक्ट रीडिंग नहीं आ रहा है दोस्तों। इसके बाद ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, ये रीडिंग कैसे लिया जाता है। सबसे पहले मैं लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करता हूँ। ये लुब्रिकेटिंग, इसका मेन फंक्शन होता है जो साउंड वेव है वो बाहर ना चला जाए, सीधा डिस्प्ले में जाए, ठीक है। इसका हाइट 100 mm है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले में सेट करके रखा हूँ। ये टी आर प्रोब का जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा करके दिखाया हूँ। अभी मुझे ये डिफेक्ट निकलना है, ठीक है दोस्तों, ये मैं पता कर रहा हूँ। इसको दबा के चलाना होता है, देखिए मैं फिर दबा के चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एक ऊपर उठ तरफ जा रहा है, है दोस्तों यहाँ कुछ एक डिफेक्ट है, मुझे लग रहा है। मैं इसको इको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कुछ जगह कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए दोस्तों कहाँ भी इको नहीं आ रहा है। वो बैक इको दिखा रहा है, यहाँ एक इको दिख रहा है, ठीक है। इसको उठाने की कोशिश करें, ठीक है। इसको जैसा इको उठ गया, दोस्तों मैंने फ्रीज कर लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे इसको सेट करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे जाना है 2 नंबर, अरे सॉरी कदर चला गया, मैन नंबर 4 नहीं, मैन नंबर 2 रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। 4, 21 नंबर रिकॉल, ठीक है। मैं इसको जूम हटा दिया और एक बार मुझे रीडिंग लेना है, वहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था दोस्तों।
तो यही मिस्टेक होता है टीआर प्रो के अंदर, इसमें इको उतना क्लियरिटी पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ बार बार, दो डिफेक्ट इसके अंदर नज़र आ रहा है मुझे, एक इस जगह एक डिफेक्ट दिख रहा है और एक एक्स जगह डिफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने रखा, इसके बाद मुझे सेटिंग पे जाना है, दो नंबर, ये दो नंबर पे जाना है, ये मैं कर्सर लीवर के थ्रू कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये कर्सर लेके आया, दोस्तों ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर्सर लेके जा रहा हूँ। ये जो इको आपके सामने दिख रहा है, ये इको क्या है? डिसकंटिन्यूटी तो शो कर रहा है लेकिन क्या चीज़ है वो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा और नीचे ले गया, ये बता रहा है एसपी पॉइंट जो है 38.4 में, उसका जो डिसकंटिन्यूटी है वो 38.4 में है। दोस्तों इसके बाद मैं जिस जगह लगाया था, इस पॉइंट है, इसको मैं आपका से घुमा देता हूँ। ये देखिए एक होल ये सामने आपके सामने दिख रहा है, एक होल है जो आपको और पास से दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए एक होल है, ये होल है, लेकिन मुझे अभी ये चेक करना है ये 38 पे है कि नहीं है। ये हमारे पास वर्नियर है, ये वर्नियर कैलीपर के थ्रू मैं मेजर करके दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों 35 अप्रोक्स बता रहा है उसका होल साइज के हिसाब से, ये 35 है, मतलब 35 में उसका एक डिसकंटिन्यूटी है, ये हमने पता करके आपको बताया, जिसका होल साइज ये आपके सामने दिख रहा है। देखिए ये डिफेक्ट दिख रहा है, ये डिफेक्ट पता किया। दूसरा नंबर, फिर मैं इसको दूसरा और प्रोसेस करके बताने वाला हूँ, इसको मैं हटा दिया, ठीक है, ये हट गया। दूसरा नंबर, दूसरा फिर मैं डिफेक्ट पता करूँगा, इसमें एक जगह डिफेक्ट है, इको दिख रहा है लेकिन इको का हाइट नहीं बढ़ रहा है, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों टीआर प्रो में काम करने थोड़ा मुश्किल होता है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। डिसकंटिन्यूटी तो है लेकिन वो क्लियर इधर पीछे नहीं है, सिर्फ सामने से एक डिसकंटिन्यूटी है, ये मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है। अभी हमने रीडिंग लिया इस पॉइंट का, इसके बाद फिर मैं सेम प्रोसेस है, आपको सेट पॉइंट पे 4 पे जाना है, ये 2 पे जाना है, ठीक है। 2 पे जाने के बाद आपको कर्सर लेके जाना है, ये कहाँ हट्टी जा रहा है, कोई बात नहीं। से दोस्तों मैं आपको दिखाया, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, जो 19 नंबर के ले जाना है, दोस्तों टीआर प्रो में जो भी कंडीशन होता है, जैसा इको देख रहा है उसका गाइडलाइन क्या है, मैंने एक बाई वन बाई वन, जैसे 5 में इसका डबल मोड दिखा रहा है, हमने जो डीबी लगाया 50 लगाया दिखा दिया है,
इसके बाद इसका बैक वन से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ वन में हमारा जो वेलोसिटी दिया हूँ वो 2260 जो नॉर्मली होता है, इसका रेंज दिया हूँ 300, जिसका वेलोसिटी है माइल स्टील का, हमारे पास माइल स्टील स्टॉपेज है जिसका वेलोसिटी है 5920, एक कंपनी का स्टैंडर्ड है, हमारा मन का नहीं है, 5920 दे दिया। उसके बाद जो डीवी है 50 दे दिया, इसके हिसाब से उसका इको जो है ये दिखा रहा है आपके सामने, मैं दिखाने की कोशिश किया। एक एक स्टेप जो होता है, जो प्रोसेस होता है टीआर के अंदर, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, जो प्रोब में दिखता है वो प्रॉब्लम होता है। मैं आपको ऑलरेडी इसको रीडिंग कैसे लेना है मेजर करके भी दिखाया, उसका डिफेक्ट कैसे पता लगता है जो ड्राइंग के थ्रू दिखाया, मशीन के थ्रू भी दिखाया। दोस्तों ये प्रोसेस था, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ जो एंगल प्रोब, जो सबसे इंपॉर्टेंस है, जो एरिया पता करने के लिए, डिफेक्ट का एरिया कितना होता है, कितना डेप्थ में है, इसमें से सिर्फ एसपी से ये पता लगता है जो इतना डेप्थ में है, कितना गहरा है वो पता नहीं लगता है, नॉर्मल प्रोब में भी पता नहीं लगता है, टीआर में भी पता नहीं लगता है, लेकिन एंगल प्रोब ऐसा है जो पूरा आपको एरिया बता देगा जो कितना 10 mm का डिफेक्ट है, 20 mm का डिफेक्ट है कि 25 mm का डिफेक्ट है। उसमें तीन प्रोसेस होता है, पाइथोग्राम का लगाया जाता है, वो कैसे होगा वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा लगे जरूर कमेंट भेजें, लाइक करें, थैंक यू।